हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आप लोग सोचे होंगे कि भैया तुम्हें ज़्यादा ही गर्मी लगती है क्या? जी नहीं, मैंने अभी सिर्फ अपना ब्रेकफास्ट किया है। और ब्रेकफास्ट में बताऊँ तो मैंने किया है, 2 बज रहे होंगे, 2 बजे मेरा नाश्ता हो रहा है। क्योंकि सुबह में ही ना मैंने पराठे रख दिए थे बना के, वही खाए हैं चाय के साथ में। अभी मैंने एक वीडियो बनाया है तो सोचा चलिए अपना जो व्लॉग है वो भी शुरू कर लेती हूँ। और आज क्योंकि अभी मैंने सिर्फ एक पराठा खाया है, क्योंकि आज मैं शाम को बनाऊंगी साग और उसके साथ में बनाना है मुझे पुलाव। अब आप लोग सोच रहे होंगे साग और पुलाव का क्या मेल है, तो पुलाव खाने की भी मेरी इच्छा है और साग खाने की भी मेरी इच्छा है। मैं खा लेती हूँ, मुझे बहुत बढ़िया लगता है पुलाव में साग डाल करके खाना, बहुत पसंद है। गाँव में ये टेढ़ी मेढ़ी चीज़ ज़्यादा खाई जाती थी तो उन्हीं की आदत भी है। तो मैं सोच रही हूँ कि सबसे पहले तो जो मेरा थोड़ा बहुत काम रह रहा है वो खत्म कर लेती हूँ। अभी मैंने एक शैम्पू तेल की वीडियो बनाई है और फिर सोचा चलिए अपना व्लॉग भी स्टार्ट कर लेते। और ये कुर्ती मुझे बहुत पसंद है, बहुत ही ज़्यादा। और बस चलिए, दवाई खा ली थी और दवाई खाने के बाद में जो है मेरी हो गई हालत ख़राब। हालत ख़राब बोले तो मतलब दवाई उन्होंने ऐसी दी है कि दवाई को खाने के बाद नींद आ जाती है। अब बताइए, अगर मैं सो जाऊंगी तो मेरे घर का काम कौन करेगा? आज मैं चौधरी साहब को बोले थे, मैंने कहा तुम मत जाओ घर का काम करियो, जब मैं दवाई खा के सो जाऊंगी तो घर का काम कैसे होगा। और देखिए मेरी अंगूठी अच्छी लग रही है ना, आप लोग सोचोगे बहुत अंगूठी पहनती, तो मुझे पता नहीं, मुझे बहुत शौक है अंगूठी पहनने का ना, मुझे बहुत पसंद है। और नेल पेंट भी लगाया है मैंने, पता है जब मैं कोई ये तेल वेल की वीडियो बनाऊं तो उसमें हाथ दिखे तो ऐसे अच्छे थोड़े ना लगेंगे कि गंदे संदे से नेल्स दिखे आपके हैं, तो थोड़ा बहुत तो फैशन करना बन है। चलिए बहुत बात बना ली मैंने, किस चीज में? आपकी तबीयत कैसी है अभी? ठीक है। अच्छे से बताओ। ठीक है ना? ये कहाँ से लगा बेटा, ये क्यों लगाई बाबू? अच्छी लग ली। नहीं, इसको साफ करो बाबू, ऐसे अच्छा नहीं लगता है ना। अभी तबीयत ठीक है आपकी? हाँ। ठीक है। थोड़ी सी खराब हो रही ना, अभी भी जुकाम हो रहा है ना, नाक नहीं खुल रही है ना। आप कलर कर रहे हो? हाँ। ठीक है, पापा नहीं आए ना अभी? नहीं। हाँ, ये वाली सुंदर लग रही है, ये भी वाली? नहीं, ये वाली। हम्म, इट्स गुड। बहन बहन मांटू को भी चाहिए ना साथ में ऐसे खेलने के लिए। बहन के भाई? बहन 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 अवनी है, अरु है, जिया है, जिया है, परी है। तो बहने तो बहुत सारी है, पर यहाँ पे थोड़ी यहाँ भी नहीं है। गोलू बोलू मेरा गोचू बोचू जा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बेल भी बजा देना। किस तरह बजानी बेल? और लाइक कैसे करना है? ऐसे। और डिसलाइक? ऐसे करना है? नहीं करना ना, लाइक बस, नॉट डिसलाइक। डिसलाइक और कमेंट? कमेंट तो अच्छे अच्छे करना, बुरे बुरे नहीं करना, नॉट बैड कमेंट है ना। सब अच्छे अच्छे करियो। दांत कहाँ गया? दांत साइड वाला? चार गायब हो गए। नहीं आ रहे ना पहनने वाले? आई दे रहा है। वो बेटा लॉकडाउन में फंस गए, दांतों का लॉकडाउन हो गया। तो अभी हम चाय पी रहे हैं, आप लोग भी आ जाइए चाय पीने। तो मैंने अभी मंगवाया है साग, क्योंकि आज मैं शाम को बनाऊंगी साग। और ये है मेथी, सरसों, बथुआ और पालक। तो सारा तो नहीं बनेगा, इतना सारा साग तो नहीं बनेगा, पर हाँ थोड़ा थोड़ा सा सारी चीज़ें ही लेकर के वही बनाऊंगी मैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें फिर भी काम आ जाएंगी। मेथी भी बाद में काम आ जाएगी, बथुआ भी आ जाएगा, पालक भी आ जाएगा, सरसों भी आ ही जाएगी। Thank you.
अभी मैं साग को जो है वो साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि साग को साफ़ करने में काफ़ी टाइम लगता है। एक एक पत्ता निकाला है मैंने उसमें से, और अभी इसको अच्छे से 2 से 3 बार मैं इसको अच्छे से धुल लूँगी, ताकि जो जितनी भी मिट्टी है वो हट जाए, क्योंकि साग पर बहुत मिट्टी लगी हुई होती है। और दिल्ली में तो क्या होता था ना, मैं साथ के साथ में कट करके देते थे, तो मुझे समझ में आता कि वो कितनी गंदगी उसमें काट देते थे। तो अभी मैंने साग जो है वो अच्छे से धो दिया है सारा बढ़िया तरीके से, क्योंकि बहुत मिट्टी निकलती है। और अभी जो है मैं इसको मोटा मोटा सा ही काटूंगी, कुकर में उबालूंगी, क्योंकि घोटना तो जब भी है तो ज़्यादा मेहनत क्यों करनी। तो चलिए सबसे पहले जो है मैं ये साग काट के कुकर में चढ़ा देती हूँ, फिर लहसुन और ये सब चीज़ें, अदरक हरी मिर्च ये भी कूटनी है, क्योंकि साग बनाने में टाइम तो लगता है। और अब तो कुछ भी नहीं लगता, गांव में तो हंडी में रखना, घोटने से घोटना, उसमें तो बहुत टाइम लगा रहता, पर अब तो गांव में भी लोग इसी तरीके से बनाते हैं सब कुकर में ही। अदरक लहसुन और हरी मिर्च कर ली है कुंडी में कूटने के लिए। और ये हरी मिर्च जो है जो लंबी लंबी काट रही हूँ मैं, ये काट रही हूँ पुलाव के लिए। चावल भी भिगो के रख दिए हैं धो के, और यहाँ पर मैंने हरी मिर्च भी काट ली है, काजू जो थे वो भी निकाल करके रख लिए हैं। तो काटने छोंकने पीकने की सारी तैयारी मैंने यहाँ पर कर ली है। अभी निकाल रही हूँ मैं मटर, क्योंकि मटर पुलाव में मटर तो चाहिए ही। मैं अभी निकाल रही हूँ मटर के दाने, और मुझे ना मटर के दाने निकालते निकालते एक बात याद आ गई। बात क्या, कमेंट ही याद आ गए, वीडियो के कमेंट देख रही थी। तो आज ज़्यादातर कमेंट वीडियो में आ रहे हैं कि ओवर एक्टिंग कम किया करो, तुम ओवर एक्टिंग बहुत करती हो। तो मैं आज आपको एक बात बताऊं, मैं रियल लाइफ में ऐसी हूँ, ऐसे ही बोलती हूँ, ऐसे ही हंसी मजाक करती हूँ सबसे, ऐसे ही बात करती हूँ, और इसी तरीके से मैं पूरा दिन अपने घर में रहने की कोशिश करती हूँ। जो मैं अपना इस वाली चीज को चेंज करके बिल्कुल सीरियस कुछ भी वीडियो में ना दिखाऊं, सिर्फ काम जो चीज़ें बातें करने की हैं वो सिर्फ बातें की, व्लॉग ख़त्म, ठीक है। अगर मैं वो वाली चीज़ करूँगी तो वो हो जाएगा फिर कि मैं दिखाने के लिए ये सब चीज़ें करी, क्योंकि मैं रियल में ऐसी नहीं हूँ। मैं रियल में जो हूँ मैं बहुत हंसी मजाक भी करने वाली, अपने घर में पूरा दिन चहल पहल करने वाली, उस तरीके की इंसान हूँ। तो अगर मैं उस चीज़ को चेंज करके बस आपको सिंपल सा जिस तरीके से अब मैं बात कर रही हूँ, कुछ लोग मजबूर कर देते हैं इस तरीके से। देखिए सभी की लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। अब मैं रो धो के रोज़ वीडियो बनाती हूँ तो ये होता है कि इसका तो रोज़ का रोना धोना, रोज़ इसकी बीमारी ख़त्म नहीं होती। इन सब चीज़ों को छोड़ के कुछ और करने की कोशिश करती हूँ कि नहीं कोई वीडियो को मेरी देख के बेशक हंसे, पागल ही बोले पर हंसे तो सही, एक दो चेहरे पर मुस्कुराहट आए, वो चाहती हूँ, तो वो ओवर एक्टिंग लगती है। क्या करूँ भाई, मतलब वो चीज़ मैं आप लोगों से एक बात क्लियर कर देती हूँ कि जिस तरीके की मैं वीडियो बनाती हूँ, जो मैं नॉर्मल अपने घर में जिस तरीके से बात करती हूँ, जिस चीज़ को मैं एडिट नहीं करती हूँ, वो मेरी रियलिटी है। अगर आप लोगों को रियलिटी देखनी है तो मैं फिर इसी ही तरीके की हूँ। और अगर आप लोगों को ये देखना है कि बस मैं एडिट करके बिल्कुल शांत बैठी हूँ, मुंह बनाए हुए और कर रही हूँ काम, तो इस तरीके का ना तो मैं काम रियल लाइफ में अपनी करती हूँ। और हम यहाँ पर अपनी रियल लाइफ दिखाते हैं, रियल लाइफ नहीं दिखाते, हम आपको एक्टिंग नहीं दिखाते कि कुछ एक्टिंग करके दिखा रहे हैं। तो प्लीज़ यार, जिस तरीके की भी मैं हूँ, बहुत सब लोग मुझे इसी तरीके से एक्सेप्ट करते हैं, पर जो कुछ लोग ओवर एक्टिंग बोलते हैं, तो मैं उन सब से एक बात बोल देती हूँ कि मैं रियल लाइफ में ऐसी ही हूँ, ऐसा ही मेरा नेचर है। रोज़ रोज़ कोई ओवर एक्टिंग नहीं कर सकता है। आप कभी भी मुझे, जो भी मुझसे मेरे सब्सक्राइबर हो, कोई भी हो,
जब आप लोग मुझसे कभी पर्सनली मिलोगे तब आप लोग देखोगे कि मैं किस तरीके की हूँ। जब मैं बहुत टेंशन में होती हूँ, बहुत परेशान होती हूँ, या मेरे घर में कोई परेशानी चलती रहती है, तब मेरा मूड ऑफ होता है या मेरी तबीयत खराब होती है। वरना अगर मैं ठीक ठाक हूँ, मैं खुश हूँ, और जो कि मैं रहना चाहती हूँ, मैं बहुत खुश रहना चाहती हूँ अपनी फैमिली के लिए, ये दो इंसान घर में ऐसे हैं कि ये मेरे, मैं खुश हूँ तो ये खुश है, मैं परेशान हूँ तो ये परेशान है। तो यार मुझे मेरी फैमिली के लिए खुश रहना पड़ता है, मैं रहती हूँ खुश, तो आप लोगों को क्या दिक्कत है इस चीज़ में? इन सब चीज़ों में आप ओवर एक्टिंग कहाँ से देख लेते हो यार? आप लोग नहीं रहते आम इंसान की तरह? जब रियल अच्छा कुछ दिखाने की कोशिश करते हैं कि भाई जैसे हम हैं वही चीज़ दिखाए, कोई लोग हंस ले मुस्कुरा ले, वो चीज़ मतलब हजम नहीं होती कुछ लोगों को, उसमें ओवर एक्टिंग आ करके जो है वो कर देते हैं। यार मैं ऐसी ही हूँ, मैं अपने आप को चेंज नहीं कर सकती बिल्कुल भी। बहुत सारी बात हो गई ना, चलो कोई ना, झेल लेना थोड़ी सी देर। साग मैंने घोट दिया है और इसमें लहसुन अदरक और हरी मिर्च जो मैंने कूटी थी वो भी डाल दी है। और यहाँ पर मैं जो हूँ आटा भून रही हूँ, आटे को मैं भून करके तब मैं साग में डालूँगा, उसका टेस्ट ही जो होता है वो अलग होता है। अच्छे से डाल के मिला लेना है ताकि इसमें ना गुठलियाँ ना पड़े। और अभी लगा रही हूँ मैं साग को छोंक, और साग को छोंक लगाऊंगी मैं सरसों के तेल में। वैसे भी आजकल खाने में मैं इस्तेमाल सरसों का तेल ही कर रही हूँ, रिफाइंड बिल्कुल अवॉइड कर दिया, और घर का सरसों का तेल हो तो इससे तो बढ़िया बात ही क्या है। तो मैंने तेल में मेथी, हींग और प्याज डाल दी है, अच्छे से इसको भून लूँगी। और देखिए मैं हर वीडियो में अपनी यही बताती हूँ, जैसे जिसको टेस्ट अच्छा लगे वो चीज़ वैसे बनानी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि जिस तरीके से मैं बनाती हूँ आप लोग भी उसी तरीके से बनाओ, है ना। मैं जिस तरीके से बनाती हूँ बस वो तरीका आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसमें लाल मिर्च डाल दी थी साबुत, और टमाटर भी डाल दिए हैं। साग बनाने में जितनी मेहनत लगती है ना, और उसको का टेस्ट और बहुत ज़्यादा बढ़ाने के लिए इस तरीके का छौंक में लगाती हूँ, जिससे कि साग जो है मतलब बहुत टेस्ट लगता है, बहुत ही ज़्यादा। तो बस इस मसाले को हम अच्छे से भून लेंगे, और जब ये मसाला और टमाटर प्याज अच्छे से भून जाएंगे फिर हम इसमें डाल देंगे साग। थोड़ा सा साग मैंने मोटा मोटा सा रखा है, क्योंकि इस तरीके का साग जो है वो अच्छा लगता है। हरी मिर्च, अदरक, लहसुन जो थे वे भी थोड़े से हल्के से मोटे मोटे से ही थे, बिल्कुल बारीक मैंने इनको नहीं रखा था। तो साग जब तक वहाँ पर खदक रहा है, दूसरी तरफ यहाँ पर मैं पुलाव छोंक दूंगी, उसके लिए मैंने बटर डाल दिया है, जीरा डाल दिया है, और थोड़ा सा मैं इसमें हींग डाल दूंगी। और बस बटर को मैं ज़्यादा इनको भूनना नहीं होता है, क्योंकि जब ये जल जाता है तो टेस्ट जो है वो अलग सा हो जाता है। बस इसमें मैं काजू और हरी मिर्च डाल दूंगी, और इनको अच्छे से घी मक्खन में मतलब जो है वो हल्का सा फ्राई कर लूँगी। मटर भी डाल दिए ताकि सारी चीज़ें जो है वो एक साथ से फ्राई हो जाए, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और फिर मैं इसमें डाल दूँगी काली मिर्च का पाउडर। काली मिर्च का पाउडर डालने के बाद मैं अच्छे से मिला के फिर चावल डाल दूँगी। एक कटोरी मैंने यहाँ पर चावल लिए थे, भिगो के रखे हुए थे, तो मैं इसमें डेढ़ कटोरी पानी डाल के एक सीटी लगा लूँगी, तो पुलाव जो है वो बहुत अच्छे बन जाएंगे। इसमें नमक डाल दिया अपने स्वाद के अनुसार। अभी मैंने साग को भी छोंक लगा दिया है, पुलाव भी बन गया है, बाद में रह गई है दही। दही को तड़का लगा रही हूँ, तो मैंने इसमें जो है बटर डाल दिया था, बटर नहीं घी, बटर ही याद आ रहा है, देसी घी डाल दिया, और उसमें सरसों के दाने डाल दिए हैं, और थोड़ा सा मैं इसमें हींग भी डाल दूंगी। और जब ये सरसों के दाने अच्छे से चटक जाएंगे फिर हम लगा देंगे दही को तड़का। और दही को तड़का ना लगे तो टेस्ट ही नहीं आता जो आना चाहिए। तो इसकी पूरी जो गैस है वो निकल गई है, तो मैंने इसको खोल करके देखा,
मैंने कहा देखूँ चेक तो कर लूँ कैसे बने हैं। बहुत अच्छे बने थे, खिले खिले बने थे, बिल्कुल अलग अलग। तो यहाँ पर मटर पुलाव भी हमारे तैयार है, सारा खाना हमारा बन करके तैयार हो गया है। तो आइए आप लोग भी खा लीजिए स्पेशल स्पेशल सा खाना, खाना नहीं खाना। तो थाली लग गई है और साग पुलाव दही रोटी गुड़ उसके साथ में, उसके साथ में हो जाए मूली का अचार तो क्या बात है। सारा काम जो है खाना पीने का निपट गया है, पूरी किचन मैंने साफ़ कर दी है और अभी जो है सारे बर्तन साफ़ करके लगा दूँगी। बस यही इतना काम होता है मेरा शाम के टाइम का। नाराजगी है? अच्छा जी, मंटू नु कह रही मम्मी आप तो मुझे अपनी वीडियो में लाते ही नहीं। ज्यादातर पापा ही लावे आपकी वीडियो में। तो आपको मेरी वीडियो में आना के पापा की? दोनों की नहीं बेटा, एक की मैं चूज करो। ओनली वन वन ऑप्शन है, बता दो आपको मम्मी की मैं आना के पापा की मैं। मेरी आंखों में आंख डाल के बोलो मंटू। मंटू बताओ आप मम्मी से ज्यादा प्यार करो या बाहर जी कौन दिला के लाता है? यो कहे की ना इंसाफी मंटू, दूसरा रूस जाएगा रूस ना। तू तो असलियत बता दे, चल असलियत बता दे, मम्मी से प्यार करे पापा से? मैं दिल से पूछ अपने दिल में किससे प्यार करूं? तेरा तो दिल भी वो कर रहा है, दिल भी वफादार है मम्मी से, मम्मी से और पापा से। नहीं मंटू थोड़ा सा फालतू, थोड़ा सा फालतू मम्मी के, क्योंकि मम्मी ने जिंदगी दी, रहने को जगह दी, कपड़े दिए, सब कुछ दिया। आप बस मुझे खाना लेकर आओ, खाना भी जरूरी है, मेरा ध्यान रखो, मम्मी भी रखा है, बस चार काम मम्मी फालतू करा है बस। हाँ मम्मी ने कहा मुझे जन्म दिया, एक जिंदगी दी। ओके चलो फिर बाय बाय बोल दें सबको, बाय गुड नाइट बोल दें, गुड नाइट बोल दो, गुड नाइट, गुड नाइट। तो चलिए गाइज अब इस वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं, थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा आप लोगों को वीडियो तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। और अभी मैं अपना फेस वॉश करके आई हूँ, थोड़ा सा केयर करने लगी हूँ मैं अपने चेहरे की, ना बताऊंगी बहुत जल्दी हाँ कि क्या कर रही हूँ, क्योंकि सबको दिख ही रहा है कि कुछ तो आप लगा रहे हो चेहरे पर, बता नहीं रहे हो। तो उसका बिल्कुल 100% रिजल्ट मिलते ही मैं आप लोगों के साथ में भी शेयर करूंगी। चलिए फिलहाल अब इस वीडियो का हम यहीं पर एंड करेंगे, ये नेल पेंट अच्छी लग रही है वैसे। मिलेंगे आप लोगों से एक अच्छे से व्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय बाय।